हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप स्मार्ट कार्ड की तरह दिखने वाला अपना राशन कार्ड किस तरह से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक मोबाइल यूजर है या डेस्कटॉप या लैपटॉप यूजर है, आप आसानी से किसी पे भी आप इस स्मार्ट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस राशन कार्ड को डाउनलोड करने की कंप्लीट प्रोसेस में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इससे पहले जो राशन कार्ड था वो कि आपको इस तरह से A4 साइज में या बड़ा देखने को मिलता था, वहाँ पे इस राशन कार्ड को कैरी करके कहीं ले जाना पेपर को हार्ड लगता था। बट आप अगर एक आधार कार्ड की तरह अगर आपका ये राशन कार्ड हो जाता है तो आपको इसको कहीं भी ले जाना कैरी करना आपको आसान हो सकता है। आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, आसानी से इसको कहीं भी रख कर ले जा सकते हैं। तो आप ये किस तरह से डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम राम प्रवेश राजभर है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम टेक्निकल राम प्रवेश है। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब CSE लैपटॉप मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सिंपल हम लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। तो आपके पास जो भी ब्राउजर होगा उस ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा, या मोबाइल पे भी आप सेम प्रोसेस कर पाएंगे। सिंपल आप न्यू राशन कार्ड करके अगर सर्च करते हैं पोर्टल तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे NFSA.gov.in करके पोर्टल है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आप डायरेक्ट ऑल स्टेट्स का जितने भी नाम है वहाँ पे आपको डायरेक्ट शो करने लग रहा है। सो मैं इसको मैं होम पेज पे ले चलता हूँ पहले, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर हम होम पे क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुकीज ऑफ ऑलो का ऑप्शन आता है तो उसको ऑलो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑलो जैसे करेंगे आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट का, अगर नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इस वेबसाइट का यहाँ पर देख पा रहे नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल करके है, ये ऑल इंडिया का है। इसमें सभी राज्यों का नाम आपको बारी बारी से देखने को मिल जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ। तो इस तरह से इस वेबसाइट का लुक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको राशन कार्ड पे आना है और राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल पे क्लिक कर लेना है, जो कि आप वहाँ पर पहले ही आए थे। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुकीज पॉलिसी का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑलो कर लीजिएगा। मैंने एक बार किया हुआ है इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो सिंपल इस तरह से आपको ऑल स्टेट्स का यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं सभी का यहाँ पर बारी बारी से नाम आ गया है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट को क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ ही स्टेट्स का अभी भी ये जो डिजिटल राशन कार्ड है स्मार्ट कार्ड वो डाउनलोड हो रहा है, सभी लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, इसको ओके कर लूँगा तो एक न्यू विंडोज़ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा जो है कि ओल्ड जो भी NFSA का पोर्ट था वही सेम प्रोसेस मुझे आ रहा है, फिलहाल मेरा अपडेट नहीं है इस का। इसके बाद आप सिंपल आपको अगर राशन कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है तो कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर दी हुई है, उस तरह से आप कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पर कुछ हिमाचल प्रदेश का शायद हुआ है, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल इस तरह से इस हिमाचल प्रदेश का पोर्टल का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर FES राशन कार्ड करके इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट राशन कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, सभी पे न्यू का ऑप्शन आएगा। तो सिंपल यहाँ पर प्रिंट राशन कार्ड का ऑप्शन है और यहाँ पर सिंपल इस तरह से दो ऑप्शन है, आधार या राशन कार्ड, जिस भी चीज़ से आप करना चाहते हैं। तो सिंपल इस पर क्लिक कर यहाँ पर इंटर कर सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका राशन कार्ड शो करने लगेगा। कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से एकदम छोटे साइज में आपका आधार कार्ड की तरह आपका काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये तो इन लोगों का हैंडल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे राशन कार्ड का डिटेल्स कंप्लीट इस तरह से देखने को मिल जाएगा और सिंपल उसमें वहाँ पर आपको डाउनलोड प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी सभी राज्यों का नहीं हुआ है, तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का या फिर अदर जिस भी राज्यों का अगर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है तो हम जरूर से ज़रूर वीडियो इस पर बनाएंगे। सो आप अगर अपने राज्य का राशन कार्ड पर
नहीं करना जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो को देखकर आप आसानी से समझ चुके होंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन स्मार्ट कार्ड अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना सीख चुके होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब CSC लैपटॉप मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो अगर मेरे लिए कोई सुझाव या जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।